हेलो, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। तो आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ राजमा की रेसिपी, ठीक है, जो बहुत आसानी के साथ बनते हैं, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। और सबसे पहले मैंने राजमा को जो है ना भिगो दिया हुआ है, 4 से 5 घंटे मैंने इनको भिगो दिया था। चलिए जी, चलते हैं मसाले की तरफ। मसाले में हमें चाहिए प्याज, लहसुन, अदरक और 2 टमाटर हैं, ठीक है। आप अपने हिसाब से जितने आपके राजमा हो आपने उतने शामिल कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। और अदरक का टुकड़ा है, इसका मैंने पेस्ट शामिल करना है। चले जी, चलते हैं हम आप कुकिंग की तरफ। और सबसे पहले हमने जो है ना प्रेशर में हमने 1 गिलास पानी शामिल किया है। राजमा हमारे जो है ना अच्छे से भीगे हुए हैं, इसलिए मैंने ज़्यादा पानी नहीं शामिल करना। और अब हम जो है ना राजमा को जो है ना पानी स्ट्रेन करके राजमा शामिल कर देंगे प्रेशर के अंदर। जो मैंने प्रेशर में पानी शामिल किया हुआ है ना 1 गिलास, उसमें आपने राजमा शामिल कर देने हैं। ये आप देख रहे हैं राजमा को मैंने अच्छे से पानी से वॉश कर लिया हुआ है। तो फिर मैंने दोबारा पानी में शामिल करने से पहले इनको वॉश किया है। और अब मैंने जो है ना तमाम चीज़ें जो है ना प्रेशर में शामिल करनी है। राजमा मैंने डाल दी है, टमाटर को मैंने ऐसे कट लगाने हैं, ऐसे छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है इनका। एक अदद मैंने हरी मिर्च शामिल की है, ठीक है, काट कर दरमियान में से। इसके साथ बहुत प्यारा जो है ना फ्लेवर आता है। साथ मैंने लहसुन शामिल कर दिया है। तमाम चीज़ें मैंने शामिल कर देनी है। तो आप देख रहे हैं मैंने प्याज, लहसुन और टमाटर, हरी मिर्च, ये सब कुछ मैंने शामिल कर दिया है राजमा में, ठीक है। अब इसके साथ जो है ना हमने वो अदरक का पेस्ट किया हुआ है, आप वो हम शामिल करेंगे। ये रहा हमारा अदरक का पेस्ट, जो मैंने पेस्ट कर लिया है, ठीक है। और अब हम इसमें शामिल कर देंगे, साथ हमने इसमें जो मसाले शामिल करने हैं, इसमें हमने लहसुन, प्याज, अदरक और राजमा पानी में शामिल करके रख दिए हैं। और मसाले जो है ना वो हमें ये चाहिए, दादर मिर्च, रेड मिर्च, नमक, जीरा, दालचीनी का टुकड़ा, हल्दी और सूखा धनिया, ठीक है, ये आपने शामिल कर देने हैं। चले जी, अब मैं जो है ना इनको रेडी करती हूँ। सबसे पहले मैंने इसमें मसाले शामिल कर देने हैं और फिर मैंने इसको स्टीम लगा देनी है। आपने इस बात का ख्याल रखना है हाथ कि आपने मसाले शामिल करके इसी तरह स्टीम में लगाने हैं। आपने मसालों को मिक्स कर लेना है ताकि जो भाप बनेगी ना स्टीम में, वो आपके प्रेशर कुकर को नुकसान ना हो कोई भी, इसलिए आपने इसको इसी तरह स्टीम लगानी है। फिर आप देख रहे हैं मैंने स्टीम ओपन की है और राजमा जो है ना हमारे वो गल चुके हैं अच्छे से। अब हम इसको अच्छे से भूनेंगे और टमाटर के छिलके जो है ना हम सेपरेट कर लेंगे। अब हमने पानी खुश्क होने तक जो है ना इनको अच्छे से हमने भूनना है और आराम से आपने इसको बनाई करनी है, ठीक है। और तमाम मसाले जो है ना आपने शामिल किए हुए हैं वो अच्छे से मैश हो जाएं। और इसके साथ आपने ऑयल शामिल करना है। आपने ऑयल शामिल करने के बाद इसकी अच्छे से बनाई करनी है। बनाई करने के बाद आपने इसमें नमक मिर्च आप चेक कर सकते हैं अपनी मर्जी से, कोई मसला नहीं है, ठीक है। आप नमक मिर्च शामिल कर सकते हैं, मुझे ऑयल थोड़ा सा कम लगा था, मैंने ऑयल शामिल कर लिया है। राजमा की मैंने अच्छे से बनाई कर ली है। और इसके साथ हम इसमें शामिल करेंगे दही, जो राजमा की जो है ना शान बढ़ाता है, मज़े के होते हैं और खट्टे करारे मज़ेदार बनते हैं। अगर आपके पास दही नहीं है तो आप टमाटर भी शामिल कर सकते हैं। आप मैंने इसको जो है ना अच्छे से भूनना है, तब तक भूनना है जब तक इसका जो है ना पानी दही का वो खुश्क ना हो जाए। तो ये आप देख रहे हैं माशाल्लाह ऑयल भी सेपरेट हो चुका है और जो है ना हमारे राजमा बिल्कुल मसाले की चकल में आ गए हैं। तो ये माशाल्लाह हमारे राजमा अच्छे से भूज गए हैं, ठीक है। अब आप चाहें तो आप ये जो है ना आपने इसी तरह का सालन जो है ना आप रोटी के साथ, तंदूर की रोटियों के साथ, घर की रोटी के साथ आप खा सकते हैं, बहुत मज़ा आता है। ये आप इमली देख रहे हैं, ये मैंने एंड में शामिल करनी है। ये मैंने इसका इमली का पल्प शामिल करना है, ठीक है। ये हमारे राजमा आप देख रहे हैं माशाल्लाह बिल्कुल इनकी अच्छे से बनाई कर ली है मैंने और ये अच्छे से भूज गए हैं। अब मैं इसमें जो है ना इमली का पल्प शामिल कर दूंगी जो मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अब मैंने इसमें पानी शामिल कर दिया है जितना हमें चाहिए था। हमने चावलों के साथ बनाने थे इसलिए हमने
इसमें पानी उतना शामिल किया है। ये तड़के वाले राइस मैंने कैसे बनाना है ये मैंने आपको पहले बताया था वीडियो में, आप देख चुके हैं। तो इसके साथ मैंने पानी शामिल कर दिया था, कलर बहुत प्यारा आ चुका था। मैंने पानी बॉयल हो गया, मैंने चावल शामिल कर दिए, तो साथ मैंने हरी मिर्च एक हरी मिर्च काट के वो भी शामिल कर दी थी। बहुत प्यारा इसका फ्लेवर आता है राइस में। ये हमारे राइस रेडी हो चुके हैं, तो किस किस को पसंद है आप मुझे ज़रूर बताइएगा, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।